वेलकम बैक व्यूअर्स, एक मजेदार से चिकन ड्रमस्टिक रेसिपी के साथ सोनी का किचन आपके सामने हाजिर है। आज जो चिकन ड्रमस्टिक बनाने जा रही हूँ उसमें इसकी रेसिपी थोड़ी सी दूसरों से डिफरेंट है। आप इसे जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कार्ड में आपको इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं, जब मैं इसे वीडियो को अपलोड करूंगी तो इसके इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश में वहां पर मौजूद होंगे, आप वहां से भी नोट कर सकती हैं। चलिए इसके वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती जाऊं। इसमें डलेगा कुकिंग ऑयल, सॉल्ट हस्बे जायका, एक अंडा मैं इस्तेमाल करूंगी, इसमें मैदा डलेगा 3 टेबलस्पून, इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है 3 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इसमें क्रश पेपर है 1 टेबलस्पून और क्रश जो है वो कोरिएंडर पाउडर ये भी जो है वो 1 टेबलस्पून है। इसमें जो मैंने चिकन लेग क्वार्टर्स लिए हैं उसको मैंने डीप कट लगा लिया है इनके अंदर, ताकि इसके अंदर मसाला जल्द हो सके। चलें शुरू करते हैं कि इसके मैरिनेशन के लिए इसके स्पाइसेस को कैसे इकट्ठा किया जाएगा। आप एक डीप बोल लें और उसके अंदर डालेंगे आप सबसे पहले मैदा 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, क्यूमिन या कोरिएंडर आपकी चॉइस है, आप दोनों भी डाल सकती हैं, आप कोई एक भी डाल सकती हैं, क्रश पेपर, गार्लिक या जिंजर पेस्ट, लेमन जूस, सोया सॉस, इसके बिल्कुल टेस्ट को डिफरेंट कर देगा और इसकी खास स्मेल भी आएगी ड्रम स्टिक्स में जब आप इसको बेक करें या आप इसे ग्रिल करें। केचप डलेगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून और इसमें डलेगा सॉल्ट हसबे जायका और एक अंडा। अंडा जो है बाइंडिंग एजेंट है जो कि इसकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेगा और ये अच्छी कोटिंग आएगी जब आप चिकन के पीसेस को इसमें डिप करेंगे। चलिए आप इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। व्यूअर्स, चिकन ड्रम स्टिक्स जो है वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आमतौर पे वो मटन और बीफ नहीं खाते शौक से, या उन्हें उसमें स्मेल आती है तो वो चिकन की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है। तो ये ड्रम स्टिक आप बना के दें, चिकन ड्रम स्टिक उनको पसंद आएगा तो वो एज अ इसमें प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से, इसके अंदर गुठलियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। अगर ये बहुत थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मुझे लग रहा है कि ये थिक है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला किया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो वरना वो उसकी कोटिंग जो है वो उसके ऊपर नहीं होगी चिकन के ऊपर। तो व्यूअर्स आप इसके अंदर देखें, अभी मसाला मिक्स हो गया, इसमें कोई गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल यकजान हो गया है। तो इसके अंदर मैं वन बाय वन चिकन के पीसेस डालकर उसमें मसाला लगाती हूँ। मुझे अगेन हाथ इस्तेमाल करना है, हाथ इस्तेमाल करके ताकि वो अच्छी तरह से इसमें मसाला मिक्स हो सके। और ये क्या हमारा लास्ट पीस इसके अंदर, देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको एटलीस्ट आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दें, जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। सो व्यूअर्स, हमारे चिकन ड्रम स्टिक्स जो हैं वो मैरिनेट होकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी, तो आप देखिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है इसको और इसकी जो कोटिंग है बड़ी अच्छे मसाले की इसके ऊपर पूरी लगी हुई है। इसके डीप फ्राई करने के लिए आपको थोड़ा सा मीडियम आंच में कीजिएगा, अदरवाइज ये ऊपर से बर्न हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। कोशिश करें कि सारे मसाले इसके ऊपर लगे रहें। तो व्यूअर्स एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स एक साइड से और फिर 10 मिनट्स आप इसको दूसरे साइड से मैरिनेट कीजिए, वो डीप फ्राई कीजिएगा। व्यूअर्स अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएगा तो डिश आउट करके। सो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से चिकन ड्रम स्टिक बिल्कुल तैयार है। आप देखें ये देखने में कितने मज़े की लग रही है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ज़बरदस्त ट्रीट है फैमिली के लिए। अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा और उसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।